झरोखों से झांकते हुए कैसे देखूं, खुला आसमान नहीं दिखता, कैसे बुनूं सपने दुनिया के, दुनिया का असली रंग नहीं दिखता। ये एक छोटी सी दुनिया मेरी, जहां नियम है, पहरे हैं, पहरेदारों के, 7:30 की दस्तक के बाद गुलामी है 4 दीवारों की। परमिशन लो, मेल करवाओ एंड देन फिर लेटर लिखो, किससे किससे सिग्नेचर करवाओ एंड ये सब। यानी स्टूडेंट्स हैं हमारे भी राइट्स हैं यार, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ये बॉयज पे भी होता है कि सिर्फ गर्ल्स पे? नहीं, उसका तो गर्ल्स पे है, तो ऑफ कोर्स बॉयज पे भी वैसे होता है जहां बॉयज रहते हैं। बॉयज में भी होना चाहिए, अगर गर्ल्स के साथ तो बॉयज में होना चाहिए, क्योंकि पार्ट बॉयज नहीं है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, बॉयज में नहीं होता, गर्ल्स में भी नहीं, बॉयज में भी होते हैं। नहीं, अगर गर्ल्स में हो रही है तो फिर बॉयज में भी, और अगर नहीं हो रही बॉयज में तो गर्ल्स में भी। होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, हो रहा है तो फिर दो। Lost 5 years of night. It's convenient to stay in an institution and hostel. I think that is the entire purpose of getting a hostel in place. That's why educational institute provide those spaces to facilitate. But the way it is regulated, in the sense of ki aapko terrace mein jana allowed nahi hai. Aapka mess common room band ho jata tha 12 baje. So I don't know why. What kind of टाइम फ्रेम में वो हमको रख के एक मतलब जैसे कि कुछ फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक टाइप ऑफ महिलाएं। लास्ट वीकेंड मतलब थर्सडे लास्ट थर्सडे वीकेंड में अन्ना में तो मैं हम लोग जा रहे थे, तो हम लोग वहाँ थे दैट आर्ट्स फैकल्टी, तो इट्स ऑलरेडी 8:55 o'clock एंड हमारे पास बस 5 मिनट थे और लेट नाइट नहीं था, तो हम लोग वहाँ से इतना ज़्यादा डर गए थे कि दौड़े 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 जाने के लिए, एक मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, तो थोड़ा ये सब चीज़ें जो है ना, इट क्रिएट सो मच ऑफ मिस्ट्रस्ट। आई डोंट नो हाउ आई विल गो एंड हैंडल स्ट्रीट हैरेसमेंट आउटसाइड इफ सो मच ऑफ ट्रेनिंग एंड द कंडीशनिंग इज हैपनिंग विद इन द स्पेस विच आई ऑक्यूपाई, और स्ट्रीट का तो वो जो डरावना सीन ऑलरेडी बना के ही रखा है कि सेफ वूमेन ऐसे रहो वैसे रहो, चश्मा पहन के, किताबों को यहाँ लगा के, तो कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा? कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है इन दिस टर्म्स, एंड यू कांट इवन सी द स्काई फ्रॉम योर ओन टेरेस इन द प्लेस वेयर यू ऑक्यूपाई, बाहर जाने के लिए छोड़ें। मतलब आप कुछ भी बोलो कि हाँ हमारा हो गया था, तो देन वो कंसीडर नहीं करते कोई रीजन क्या नहीं, हमारे परसेप्शन के लेयर बनाए हैं जो बचपन से हमें सिखाने को मिलती है लड़कियों के ज्यादा मामले में। आप देखेंगे 6 बजे के बाद मत जाओ साथ, कुछ लड़कियां ऐसी है जो मान चुकी है वो नहीं जाना चाहती। मेरे कुछ ऐसे मान चुकी है, क्या सोचते हैं वो लोग, क्या सोचते हैं, क्या हाँ क्या सेफ नहीं safe है, सेफ नहीं safe है, safe ये you know? वो जगह सेफ नहीं है, हमें रात में नहीं जाना चाहिए, 6 बजे के पहले आ जाना चाहिए, तुम लोग क्यों जा रहे हो बाहर 11 बजे तक, कहाँ रहोगे, दिस एंड ऑल कैसे मत करो। आई एम टोटली अगेंस्ट द डेडलाइन, आई डोंट फील लाइक डेडलाइन नहीं होना चाहिए, बट आप इन्फॉर्म तो करना चाहिए यार, अगर कल दिन कुछ होता है तो हॉस्टल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन मुझे समझ नहीं आता, मुझे मानने का मन नहीं करता है, मैं पता नहीं, मैं दब के नहीं रहना चाहती, अगर मैं कुछ गलत नहीं करने जा रही हूँ तो दब के क्यों। ठीक है, तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मैं हॉस्टल जा रहे हैं। जी जी, ये इस तरफ नहीं
ये इनको देखना था रिश कैसा दिखता है रात में. तो रिश तो दिखाई नहीं आपने, अब तो रोड में है. आपने रोक लिया ना. हाँ वही तो, आप जाएंगे आगे. अच्छा कभी सोचती हूँ 12 बजे कमला कैसा दिखता होगा, रात में 3 बजे क्या कहानियां सच होती है रिज में. घर से निकलते हुए आंसू नहीं उम्मीद थी, नई आजादी पाने की, आजादी स्वयं खड़े होने की. पर ये क्या, सुरक्षा के नाम पर बांध दिया जंजीरों से, काबिलियत नहीं पहचानी उन्होंने मेरी, खुद गिर के संभलने की. पर अब खुले आसमान की चाह में हाथों को लिए हाथ में उतर चुके हैं. फर्स्ट ईयर में जो हम लोगों का हॉस्टल में स्ट्रगल हुआ था, उसके बाद ही एक कंटिन्यूटी आया था व्हेन वन केम टू द सेकंड ईयर, और एक पार्टिसिपेशन हुआ था सेफ यूनिवर्सिटी कैंपेन में. एंड सेफ इन दैट कैंपेन एंड इन दैट मूवमेंट, आई गेस मिरांडा हाउस हॉस्टल से देयर वाज अ ह्यूज कंटिन्यूटी ऑफ पीपल. बेसिकली ऑलमोस्ट सारा हॉस्टल उतर गया था उस मूवमेंट में. द मूवमेंट वॉज ऑल अबाउट कि जो ये सेक्शुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स कमिटी सेल्स जो होने चाहिए अलग अलग कॉलेजेस में, उसको कैसे प्रोएक्टिव बनाया जाए, जहाँ नहीं है वहाँ एस्टैब्लिश किया जाए, एंड मेकिंग द होल कैंपस सेफ. तो उस वो सारा चीज़ को लेके देयर वाज दिस मैसिव रैली व्हिच वाज प्लान्ड फॉर टू द वाइस चांसलर्स ऑफिस. बट व्हाट वाज एक्साइटिंग वाज बिफोर द रैली जो पूरा मोबिलाइजेशन प्रोसेस चला था, ऑलमोस्ट 2 महीने का चला था आई थिंक. सो वेयर within the hostel a lot of GBMs were going on, a lot of discussions were going on, room to room campaign chala tha logo ko is bare mein convince karne ke liye ki why this is important. So because Delhi University is an open campus, it's not like JNU, to aapka wahan pe dukane hai, residential houses hai, to thela wala rickshaw wala sab kuch. Talking to people on the roads ki ye cheez kyun kar rahe hain, kya hai, alag alag points pe rok ke chote chote meetings karke baatcheet karna, going to गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल्स का केस. आई रिमेंबर ये अपर्णा गर्ल्स हॉस्टल था, इट्स अ प्राइवेट पीजी, जिसमें लाइक देयर वर ऑल दीस गर्ल्स लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड लाइक उनको बाहर नहीं आने दे रहे थे, और फिर बाहर में ये सारा लोग था चिल्ला रहे थे. फिर कुछ कुछ मेस एड्रेस में, डिनर टाइम में जाके मेस में एड्रेस करना, ये सब भी होता था. एंड या एंड द एनर्जी इन दैट लास्ट रैली इन कमलानगर बिफोर द मेन रैली हैपेंड ऑन कैंपस वाज इंडीड इनक्रेडिबल, बिकॉज पीपल ऑन द स्ट्रीट्स जस्ट काइंड ऑफ लाइक जॉइंड यू, एंड देयर वर 100 पीपल ऑन द स्ट्रीट्स जस्ट वॉकिंग अबाउट सेइंग दैट दीस स्ट्रीट्स शुड बी सेफ फॉर वुमेन. That whole process was, I guess, a big learning experience for a lot of us, and for also a lot of the first and second years who were also there, who had and ek matlab feminist learning or experience of pura process. I think one of the biggest like realizations that I took away from the whole thing was that it wasn't a question of individual choice. Like I didn't feel the need to venture out post 10 o'clock on most days. So it's not like I felt very radically oppressed throughout my, I just took it as a normal course of being. But it's only after this discourse sort of started that I think many of us, there were many people like me, started rethinking the things that we had taken. We were just used to scheduling our day so that we were back by 10 o'clock. So, but post the December 16th incident, I think there was a tightening of curfews across girls' hostels in North Campus. And although no such step was concretely taken in Stevens, the awareness sort of started from there.
and some of my batchmates and some people from the batch above us, they got together and we had a meeting after dinner. We raised a couple of demands. One was that the doors of the individual hostels be left unlocked and the main doors of the campus should be locked up. And that night outs should be increased in number. We should be able to get night outs without having to furnish reasons or calling our parents, things like that. So these demands were raised in a UGB. We tried to campaign for this by meeting people individually in their rooms and by talking to people and trying to convince them as to why, you know, what we felt the problem was with the curfew. And so we actually managed to get close to almost all at least most of the residents and like at least like half the other student body to come for the general body meeting. So it was like almost like 500 students coming for the general body meeting with the principal. And I mean, the general expectation was that some of the more radical ones might not be accepted, but the smaller demands would be well taken. But the principal responded so virulently. And then he said, you know, and then it became, but the general body meeting was quite a disappointment because he started, you know, talking and he wouldn't let anybody else talk. And then he got the doors shut and he said, you called this meeting and you want us to be in this meeting, so I'm not going to open the doors until I'm done talking. And he said some terrible things like, anyway, girls and boys are very different, you know, they're like eggs and stones and apples and oranges. And, you know, would you like, if you're in an airplane, would you like really keep the door open? You know, like, you know, how can you keep the girls' hostels' doors open? And so after that, everybody was very angry and they were like, we want to sit out. And we just won't go back to the hostel after 10, you know, we'll just sit out on the lawns and we won't go inside. Except that didn't happen because we were all really scared that we'd be thrown out. And it seemed like a very big thing that at that point that they could come down on us. So it was very insulting, like the whole thing was pretty insulting. But after the list, I think, I mean, I haven't been in touch with the batches post our batch. But except for one or two groups, the fact that so many people got chucked out was the main dampening effect. Because, you know, like the, yeah, like people got really scared after that. There wasn't much. But at least for our batch, I think, I mean, it sharpened out our awareness a lot. And we would have discussions and just the general feeling of alienation from the college and the residents. I think that was very important because people like me who had just stayed in the hostel from day one, we had taken it as a matter of like natural course, you know, nobody had really gone into the power dynamics operating inside the milieu. So I think that was, I mean, no matter what the consequences, that many of us carried it with us post passing out of college. छिल छिल कर काटी रातें जो मिल मिल आ सखी बांटे वो आचल तब भी रुक मत थक गई क्या थम मत चीर कर रहेंगे उधेड़ कर रहेंगे तोड़ कर रहेंगे ताले सभी भोर का जिसका नामो निशान तक नहीं लाकर उसे वापस रहेंगे हम सभी अब और कटीली रातें नहीं अब और दोगली बातें नहीं तोड़ दो सलाखें गिरा दो दीवार हिम्मत से हम हैं हमसे हैं सभी उम्मीद है जज्बा है कर तो कह आज ललकार कर चीख नहीं हुंकार भर सिसकियां लेना अब तू छोड़ उठ जा आज तांडव हो उड़ जा अब तू पिंजरा तोड़ कैंपसेस सिर्फ स्ट्रक्चर्स नहीं है सिर्फ ऐसे ही बन नहीं जाते कैंपसेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है कैंपसेस स्टूडेंट्स से बनता है कैंपसेस उनसे बनता है जो वहाँ पढ़ते हैं रहते हैं एंड यूनिवर्सिटी स्पेसेस को उस नज़रिए से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दैट्स वाई दीज प्रोटेस्ट आर इम्पॉर्टेंट ये प्रोटेस्ट कोई खराबी या कुछ गलत या ये लड़कियाँ क्या डिमांड कर रही है इस लैंग्वेज में ये फंस जाता है हमेशा इस रिपोर्टाज में भी फंस जाता है
क्या चाहिए लड़कियों को ना, सब आके पूछते हैं आपको क्या चाहिए बता दो हम उस तरह से करेंगे. ये कोई वैसा कुछ डिमांड नहीं है कि हमें चाहिए. इट्स अ लार्जर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. और एंड जेंडर इज नॉट समथिंग दैट हम लोग कहीं बाहर से ला रहे हैं या हम लोग कुछ ऐसे बोल रहे हैं. जैसे वो स्पेस कुछ था और मतलब यू नो उनको दे दिया, द फैक्ट कि कभी था ही नहीं लड़कियों के लिए स्पेस. और जब देना पड़ा तो ऐसे देना पड़ा, ये भी एक बात है. तो कैंपसेस हर जगह, यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं, जेएनयू पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह हॉस्टल्स की डिमांड बढ़ रही है और विमेन्स हॉस्टल की डिमांड्स भी बढ़ रही है. पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अगर यहाँ पे ये कल्चर है कि यहाँ पे हॉस्टल में डेडलाइंस नहीं है या नहीं, इसके लिए किसी ने कभी ना कभी तो लड़ा है. Everything has a history of struggle, and it is a history of student struggle. I'm not a particular, you know, kind of a way. It's not. ये administrative issue से बना दिया जाता है, but it is a student issue, and it is something that, in the light of the kind of political climate we are in, that only students can raise. काहे को ब्याहे विदेश, भैया को दियो बाबुल, महले दो महले. हमको दियो परदेश. अमीर खुसरो की इन पंक्तियों को जब जाना तो लगा कम से कम खुद को ऐसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनाना जहां न्याय और समानता तो दूर, हमें मानव तक मानने से इनकार कर दिया गया हो, हमें विस्थापित कर दिया गया हो, हमें परदेश दिया गया हो. शिक्षा ने उम्मीद की किरण जगाई, लगा इसके जरिए आधा आसमान मिल जाएगा. पर यहाँ भी पाबंदियों ने हमें वापस पीछे ढकेलने की खूब साजिश रच डाली है. एक तो हम में से बस चंद ही हैं जो यूनिवर्सिटी जैसी जगहों तक पहुँच पाती हैं, और उनमें से भी उंगलियों पर बस गिने चुने कुछ नाम हैं जो आगे अपनी पढ़ाई बड़ी मशक्क़त से जारी रख पाती हैं. पर यहाँ भी हमारी सुरक्षा के नाम पर, जी हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर हमारी आज़ादी छीनने की कोशिश की जाती रही है. हम पूछते हैं आखिर ये कोशिश ही क्यों. हम पूछते हैं आखिर उन्हें डर किस बात से है. क्या उन्हें डर इस बात से है कि हम इस समाज में सुरक्षित नहीं, क्योंकि यह समाज लड़कियों के लिए बड़बड़ है. हाँ, अगर ऐसा ही है तो उन्हें समाज को सभ्य बनाने की दिशा में नियम कानून लागू करने चाहिए जहाँ लड़कियाँ सुरक्षित महसूस कर सकें. पर हमें तो लगता है कि उन्हें डर है. उन्हें डर है इस बात से कि लड़कियां आज़ाद माहौल में खूब पढ़ लिख ना लें, आज़ादी ना चख लें, अपने हिस्से का आधा आसमान ना मांग बैठे, पाबंदियों का पिंजरा ना तोड़ डालें.